हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरे बहुत रिश्तेदार और मेरे दोस्त हैं जो न्यू ITU की तैयारी कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि भाई बता यार कि तूने कैसे अपने टाइम पर NEET UG में हरियाणा में 327 रैंक लाई, कैसे यार, हमसे तो नहीं हो पा रहा। तो मैंने उनसे उनको मोबाइल पर बताना यार, इतना आसान नहीं है कि ऐसे करो ऐसे करो, सब कहे समझ भी नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना दी जाए, किसी को फ़ायदा ही हो जाए, किसी के दिल पे लग जाए मेरी बातें। और मेरे लिए, मेरे गांव वालों के लिए है, क्योंकि एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बंदा यदि शुरुआत में सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बंदा यदि यहाँ पूछ सकता है, तो कोई वजह नहीं कि आप नहीं कर सकते ऐसा। तो पहले, उससे पहले कि मैं बताऊं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे उससे पहले, कि कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि 11th 12th मैंने मेहनत की, उसके बाद मैं कॉलेज में जाऊंगा और ऐस करूंगा, कुछ मज़ा ही मज़ा है, और बाद में पैसे तो बहुत मिलने ही हैं। यदि दोस्त ऐसा है तो तेरे तुम आपकी ज़िंदगी झंडोने वाली है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि न्यूज़ में कि फ्रैक्चर इन द लेफ्ट फुट एंड प्लास्टर इज डन बाय द डॉक्टर इन राइट फुट। वो कहाँ से आते हैं ऐसे डॉक्टर? वो यहीं से आते हैं अपने इन कॉलेजों से ही। देखो, मैं किसी डॉक्टर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं खुद एक डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, तो मेरे को हक नहीं बनता किसी को वो करना। मैं अच्छे डॉक्टरों को रिस्पेक्ट करता हूँ, तभी तो इस प्रोफेशन में आया हूँ मैं। कुछ डॉक्टरों की वजह से ये प्रोफेशन की इमेज ख़राब होती जा रही है। और बात की तो कैसे करें, तो दोस्त आपके मन एक रीज़न होना चाहिए आपके पास कि आप आने क्यों चाहते हैं इस प्रोफेशन में। यदि आपके पास वो रीज़न है तो आप आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, मेरे से भी अच्छी रैंक आएगी। मेरा रीज़न ये था कि इस सोसाइटी को कुछ सर्व करना है, इस देश के लिए कुछ करना है। ठीक है यार, प्रॉब्लम तो आएंगी, बिना प्रॉब्लम के कोई भी मान नहीं होता। डेविएशन किसको नहीं होगी, जब पढ़ोगे 11th 12th में, कोचिंग करके आओगे तो बाहर परियां दिखेंगी, हार्मोन रिलीज होंगे, अट्रैक्शन होगा। मेरे को भी होता था, अब भी होता है, अब भी होता है यार, ये एज ही ऐसी है। तो दोस्तों, इससे सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि उस टाइम आप क्वेश्चन पूछना, मैं भी क्वेश्चन पूछता था कि तुझे दोस्त क्या चाहिए उस टाइम पर, तुझे इस टाइम पर प्लेजर चाहिए या बाद में एक प्राउड लाइफ चाहिए। तो मेरे अंदर से जवाब आता था कि दोस्त एक प्राउड लाइफ जीनी है। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, ये नॉइज़ है, ये नॉइज़ अपने को पूरा प्रयास कर रही है कि हम रुक जाएं, पर हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो दुनिया को छोड़िए, दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, आपको कुछ कर गुजरना है। यदि ये सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बंदा यहाँ इस मेडिकल कॉलेज में आ सकता है, इतनी 327 रैंक ला सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि आप नहीं ला सकते। तो आपको 1-2 साल स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करनी होगी। किसका मन नहीं करता गप्पे मारने का, किसका मन करता है कि यहाँ आके ऐसे वो दूँ मैं, समझा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो NEET UG की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले संडे को फिर से एक अच्छी वीडियो के लाऊंगा मैं। अब की बार को प्लानिंग नहीं थी, ऐसी बना दी मैंने। और दोस्तों, यदि कुछ करना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। और धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।